इक्वेशन गिवेन इज आर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो मतलब हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है R -4 is equal to और हमें कुछ वैल्यूज दिया हुआ है this one. हमें पता लगाना है इसमें से कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ओके और कौन कौन सा नहीं करता है इसमें से कोई एक ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा राइट और बाकी जो तीन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये हमें शो करना है कि कैसे नहीं करेगा ओके सेटिस्फाई करेगा क्या मतलब क्या होता है जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स तो एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस दिस प्लस टू इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर सिक्स माइनस टू इज फोर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू फोर यदि हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन जो है वो सटिस्फाई करेगा एक्स इक्वल टू फोर इस इक्वेशन को इसका मतलब ये होता है सेटिस्फाई करेगा का मतलब क्या होता है कि यदि हम एक्स का वैल्यू फोर इसमें पुट करें तो एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो जाएगा एल एच एस आर एच एस तो आपको पता ही है क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड वाले को एल एच एस कहते हैं और राइट right साइड वाले को आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ओके ये होता है सॉल्यूशन का मतलब तो हमें ये पता लगाना है कि एक्स का वैल्यू फोर इन इनमें से सारे वैल्यूज को हमें पुट कर करके ट्राई करना है कि कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सेटिसफाई करना करता है का मतलब एल एच एस आर एच एस के इक्वल आता है जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और जो नहीं करेगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा सिंपल सी बात है तो ट्राई करते हैं पहला वैल्यू आर के जगह पे फोर रखते हैं तो फोर माइनस ये फोर टू जीरो मतलब क्या हुआ टू फोर जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये जो आर इज इक्वल टू फोर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है अगेन माइनस फोर ट्राई करते हैं दूसरा दूसरा ट्राई करते हैं एक्स आर इज इक्वल टू माइनस फोर यदि हो तो क्या होगा आर एच आर के जगह पे माइनस फोर रख देते हैं माइनस फोर ऑलरेडी है इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस एट इज इक्वल टू जीरो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है ये एल एच एस आर एच एस का इक्वल है क्या इधर माइनस एट है और इधर जीरो है इसका मतलब ये इक्वल नहीं है नहीं है का मतलब क्या हुआ कि आर इज इज इक्वल टू माइनस फोर जो है वो सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का सिमिलरली सिमिलरलीट ट्राई करते हैं तीसरा वैल्यू तीसरा वैल्यू आ एड है राइट right? तो आर के जगह पे एट हम पुट कर देते हैं ओके okay, तो विल बी अगेन एल एच एस इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है नहीं है इसका मतलब एल एच एस आर एच एस का इक्वल नहीं है मतलब आर इज इक्वल टू एट जो है वो सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का राइट right. सिमिलरली ये जीरो भी चेक कर लेते हैं आर के जगह पे हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा राइट right. चौथा लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं तो होगा जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू तो जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो राइट right? यानी अगेन एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं है इसका मतलब आर इज इक्वल टू तो जीरो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है और यही हमें पता करना था कि